हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप डिफेंस एंड स्टडीज के पेपर को आप देख रहे हैं। इसमें रक्षा, इसको हिंदी में रक्षा स्थानांतरित अध्याय या फिर सैन्य अध्याय के नाम से इस पेपर को जाना जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, एग्जाम 2022 में जो होने वाला है आपका, 2022 में फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र जितने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 18 से 20 क्वेश्चन दूंगा, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे। 85% प्लस मतलब एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। मैं आपके दो दिन पहले आपको एग्जाम्स, हर यूनिवर्सिटी के जितने छात्र हैं, यूपी के आल यूनिवर्सिटी के छात्र के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। दो दिन पहले मैं आपको, यूपी हो, यूके, उत्तराखंड के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटी, सबके लिए इंपोर्टेंट है। यूके उत्तराखंड के लिए सबसे इंपोर्टेंट है। आपके पास जो भी सीरीज नोट्स गैस पेपर है जो आप लेके आए मार्केट से, उसमें आप टिक लगा लो। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी टिक लगाऊंगा कि ये क्वेश्चन टिक लगाओ, वही क्वेश्चन अपने ढूंढो उसमें से और टिक लगा लो। बाकी कुछ मत पढ़ना, मैं आपसे वादा करता हूँ 85% यहाँ से मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। कोई भी दिक्कत आ रही है ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा हर परिस्थिति में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चैनल एक हमारा दूसरा है जिसका नाम है बीए बाई पेपर हैकर, बीए बाई पेपर हैकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां भी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो बीए का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हाई स्कूल इंटर जितने भी आपके भाई बहन कोई भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो यहाँ रक्षा एवं स्वास्थ्य अध्याय क्या होता है, उसके उपयोग, उसके महत्व के बारे में, युद्ध क्या होती है, युद्ध की विशेषता क्या होती है, टिक लगाओ। रक्षा एवं स्थानांतरित अध्याय किसे कहते हैं, उसका उपयोग, उसका महत्व क्या होता है, और युद्ध क्या है, युद्ध की विशेषता क्या होती है, इसको हम याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे कि युद्ध के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, हम युद्ध करते हैं तो उसके सिद्धांत कौन कौन से है। आश्चर्य युद्ध का सबसे अधिक घातक तत्व कौन सा होता है, आश्चर्य युद्ध होता है उसका सबसे घातक तत्व कौन सा कहा जाता है, उस तत्व को देखेंगे। ये हमारा नोट्स भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा है, बिल्कुल फ्री नोट्स देंगे। एप्लीकेशन हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री आपको दिया जा रहा है, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगी, पेपर हैकर सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, वहां मिल जाएंगी। बहुत सारे ऐप है, हमने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग डाल रखे हैं, हमारे नोट्स वैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको सब तरीके से सुविधा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध राजनीति का एक साधन है, ये बताओ। आपको सिद्ध करने के लिए पूछेगा कि युद्ध है वो राजनीति का एक साधन है, आप ये सिद्ध करके मुझे बता दो, तो आप इस प्रकार से आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रमण करो, आक्रमण करो का मतलब क्या होता है, आक्रमक कह सकते हैं, आक्रमात्मक कार्यवाही, आक्रमण करो, ये कार्यवाही हो गया। अब राजनीतिक, अब कह रहा है युद्ध राजनीतिक का एक साधन है, आपको स्पष्ट करना है कि युद्ध है वो राजनीति का एक साधन है, ये स्पष्ट करने के लिए बोलेगा। आधुनिक युद्ध जो कर्म है उसके स्वरूप का विस्तार आपको बताना है, आधुनिक युद्ध जो कर्म है उसके स्वरूप का विस्तार आपको बताना है अच्छे तरीके से। देखो यह छापामार युद्ध क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छापामार युद्ध किसे कहते हैं और उनके प्रमुख तत्व के बारे में, उनके विचार क्या क्या निकलते हैं उसको हम देखेंगे। छापामार विरुद्ध विरोधी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं जो विप्लव विरोधी होता है, विप्लव विरोधी को छापामारी विरोधी भी कहते हैं। आधारभूत तत्व क्या क्या होते हैं वो आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान युद्ध किसे कहते हैं, तो मनोविज्ञान तो जानते हो, साइकोलॉजी जो और जो वाफर होता है इस प्रकार से कहते हैं, तो युद्ध के लिए उनके साधन कौन कौन से होते हैं, माध्यम, उनके उद्देश्य, उनके कार्य कौन कौन से होते हैं वो आप देखेंगे, साइकोलॉजी युद्ध के लिए, ठीक है, मनोविज्ञान जो युद्ध होता है उसके बारे में। एक होता है आर्थिक युद्ध, आर्थिक युद्ध किसे कहते हैं, उसके साधन कौन कौन से होते हैं, उन साधनों को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे टिक लगाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगा लो, जिसे कहते हैं भैया भैया दोहे क्या है, भैया दोहन क्या होता है उसके प्रकार के बारे में, भैया दोहन क्या होता है उसके प्रकार के बारे में, और भैया दोहन की युद्ध नीति और उसकी समीक्षा, उसके महत्व, उसके तत्वों के बारे में अच्छे तरीके से देख लेना। ये हम पूरी वीडियो आपको बना के दे देंगे, वीडियो भी हमारे पढ़ेंगे यूट्यूब पर, बेटा चिंता मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ कह रहा है रासायनिक युद्ध क्या होते हैं, रासायनिक युद्ध को प्रभाव कौन कौन से होते हैं वो आप याद करेंगे, और साथ ही साथ राजनीतिक युद्ध क्या होते हैं, राजनीतिक युद्ध को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है युद्ध स्तर और युद्ध चक्र के बारे में याद कर लेंगे, युद्ध स्तर क्या होता है, युद्ध चक्र क्या होता है इसको याद करेंगे। अंतर पूछेगा युद्ध स्तर क्या होता है, युद्ध चक्र क्या होता है इसको पढ़ो। कूट योजना को हम कूटनीति भी कहते हैं, कूट योजना को कूटनीति भी कहते हैं, और एक होता है समर तंत्र,
कूट योजना और समर तंत्र में अंतर पूछ लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, शॉर्ट में पूछेगा। शीत युद्ध और सीमा, देखो एक होता है शीत युद्ध, एक होता है सीमित युद्ध, शीत युद्ध सीमित युद्ध, और एक होता है नवीन शीत युद्ध का कारण क्या होता है, इनको देखेंगे। एक होता है देखो गुरिल्ला युद्ध, एक होता है गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला युद्ध को याद कर लेंगे। नाकाबंदी किसे कहते हैं, नाकाबंदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर टिप्पणी पूछ लेता है, ब्लॉकिंग से बोलते हैं, ठीक है बेटा। नाकाबंदी किसे कहते हैं, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट पर नाभिक युद्ध क्या होता है, नाभिक युद्ध को याद कर लेंगे, शॉर्ट में आप देखेंगे नाभिक युद्ध क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में होता है कॉलेजिबिट्स जो होता है कह सकते हैं, उसके युद्ध की नीति के संबंध क्या होते हैं, उसको नीति के युद्ध नीति के बारे में देख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। उसके बाद में होता है तड़ित युद्ध का, तड़ित युद्ध का जो कहता है समरतंत्र क्या होता है, तड़ित युद्ध का समरतंत्र के बारे में, ठीक है, जो तड़ित युद्ध होता है उसमें समरतंत्र के बारे में क्या अंतर है वो आप देख लेंगे। उसके बाद में परमाणु युद्ध का प्रभाव के बारे में, या परमाणु युद्ध होता है उसके प्रभाव के बारे में, और जीवाणु युद्ध क्या होते हैं, बस इतना पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना। परमाणु युद्ध और इफेक्ट क्या होता है परमाणु युद्ध, जब यदि आप परमाणु युद्ध करते हो तो इफेक्ट क्या होगा, और जीवाणु युद्ध से क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। इतना आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा। डिफरेंस एंड एक पेपर था, आप जो देख रहे हैं स्टडीज वाला, तो इसमें आप इतने क्वेश्चनों को देखेंगे। 22 में जो पेपर होने वाला है, एक एक इंपोर्टेंट, 22 में पूरा पेपर लीक होगा, याद रखना। दो दिन पहले आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को 10 क्वेश्चन दूंगा, वही क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, बस रट लेना उन क्वेश्चन को उतने टाइम, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन में से दूंगा 10 क्वेश्चन। तो आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, कोई भी दिक्कत आती है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना बेटा। बाय बाय, टाटा, लव यू सू, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा।